हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की 27th वीडियो के साथ में। आज की वीडियो में हम देखेंगे सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट फंक्शंस के बारे में, किस तरह से सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट फंक्शंस को हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें कुछ पीस ऑफ कोड एक टाइम पीरियड के बाद रन करना हो, और सेट इंटरवल का यूज हम जब करेंगे जब हमें कोई कोड बार बार रिपीट करना हो एक सेट इंटरवल के बाद में। तो चलिए गाइस, चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम फंक्शंस का इस तरह से कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो गाइस, यहाँ हमारे वीएस कोड में आ गए, और वीएस कोड में मैंने एक नई फाइल क्रिएट कर ली है टाइम फंक्शन डॉट जेएस नाम से, और इसको मैं रन कर लेता हूँ। सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग का एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, और उस मैसेज में लिखूंगा सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। तो यहाँ पर मैंने सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल को यूज करा, और इसका क्या करूँगा, इसके बाद सिंपली मैं नोड का यूज़ करके हमारा जो ये टाइम फंक्शन और जेएस वाली फाइल उसको लोड कराया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैसेज भी आ गया, उसमें लिखा सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल। और अभी मैं थोड़ा ये वीएस कोड के हमारी स्क्रीन को थोड़ी बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियरली दिखे क्या मैं काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेट टाइम आउट फंक्शन के बारे में। तो सेट टाइम आउट फंक्शन क्या होता है, तो सेट टाइम आउट फंक्शन बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके पीस ऑफ कोड जावास्क्रिप्ट में आप जो पीस ऑफ कोड लिख रहे हो उसको एक टाइम पीरियड के बाद रन करता है। यानी ये सिंपली एक टाइम पीरियड के बाद वो कोड को रन करता है, टाइम पीरियड के बाद लिख देता हूँ मैं। और इसको यूज़ करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे सेट टाइम आउट लिखना है, और सेट टाइम आउट के अंदर सिंपली आपको सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एरो फंक्शन क्रिएट करके बताता हूँ आपको, और उस एरो फंक्शन के अंदर कंसोल डॉट लॉग करूँगा और यहाँ पे लिखूंगा आई एम इनसाइड सेट टाइम आउट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आई एम इनसाइड सेट टाइम आउट, और क्या करूँगा मैं अब इसको लोड कर लेता, और इधर जहाँ पे मेरा फंक्शन क्लोज हो रहा है उसके बाद एक कॉमा लगा के यहाँ पे मैं टाइम दे दूंगा। यानी अगर 1 सेकंड के लिए आपको कोड रन करना है तो 1000 लिखना पड़ेगा, 2 सेकंड के लिए रन करना है तो 1000 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप तो यहाँ पे टाइम लिख सकते हो, और ये टाइम मिली सेकंड में है तो एक 1000 मिली सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो अब क्या करूँगा, ये वापस फंक्शन लोड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसको बड़ा करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस इसको रन करूँगा तो सबसे पहले हमारा सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल आया, उसके बाद 1 सेकंड बाद हमारा कंसोल डॉट लॉग आई एम इनसाइड सेट टाइम आउट वाला मैसेज प्रिंट हो गया। अगर इसकी जगह मैं कर देता हूँ 5 सेकंड कर देता हूँ तो थोड़ा आपको क्लियर रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 सेकंड बाद ये वाला मैसेज हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मैसेज प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से आप सेट टाइम आउट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और आपको करना, अब मैं करूँगा सिंपली सेट टाइम आउट के आगे अगर इसको मैं करता हूँ ए इज इक्वल टू सेट टाइम आउट, तो आप देखते हैं कि इस ए के अंदर क्या वैल्यू आती है, वैल्यू क्या स्टोर होती है, लेट ए इज इक्वल टू और कंसोल डॉट लॉग करूँगा, और अगर ए को मैं प्रिंट कराता हूँ और अब देखते हैं क्या हमारा रिटर्न होता है। तो ये हमारा कुछ गलत रिटर्न हो गया है। तो यहाँ पे एक फंक्शन एनोमनस और सिंपल क्या रिटर्न कर रहा है, अब देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिगर आईडी असिंक आईडी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो है हमारा एक टाइमर रिटर्न कर रहा है, यानी ये जो 5 सेकंड है तो ये एक टाइमर रिटर्न कर रहा है। और सेट टाइम आउट फंक्शन को अगर आप एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो वो एक टाइमर रिटर्न करेगा जिसमें असिंक्रोनस आईडी और ट्रिगर आईडी, यानी 1 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक वो लोड होगा, उसके बाद हमारा मैसेज प्रिंट होगा। अगर इधर मैं 4 कर देता हूँ तो 4000 ट्रिगर करता हूँ और वापस यही चीज़ रन करता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आइडल टाइम आईडी हमारी 4000 आ गई है। अब हमारी आइडल टाइमिंग आईडी 4000 आ गई है, और अगर मैं यहाँ पे 3000 करता हूँ तो, और 3000 करके भी हम देख लेते हैं एक बार, 3000 करने के बाद आप देख सकते हैं आइडल टाइम आईडी 3000 आ गई है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि आइडल टाइमिंग आईडी टाइम आउट फंक्शन का जो है ये रिटर्न करता है इस तरह से। तो अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे एक टाइम फंक्शन नाम से फाइल क्रिएट कर ली और उसको लाइव सर्वर पर ओपन कर देता हूँ। तो ये हमारा ओपन हो गया लाइव सर्वर पे, और वापस हमारी वीएस कोड में आता हूँ, और अब क्या करूँगा, अब मैं लेट बी इज इक्वल टू एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करता हूँ, बी इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में डालूंगा डू यू वांट टू शो सेट टाइम आउट। तो इसमें क्या लगूंगा, डू यू वांट टू शो सेट टाइम आउट, और उसमें अगर यूजर वाई और इसमें कंडीशन लगा देता हूँ इफ बी इज इक्वल टू एन, तो सिंपली क्लियर टाइम आउट के अंदर हम ए पास कर देंगे और अब देखते हैं कि क्या होता है। और तो क्या करूँगा, मैं आप इसको भी कैंसिल कर देता हूँ। तो अब क्या करूँगा, आप सिंपली अगर मैं यहाँ प्रॉम्प्ट में अगर वाई लिखता हूँ या फिर कुछ भी लिखता हूँ तो हमारा जो ये सेट टाइम आउट के अंदर जो फंक्शन के अंदर जो यूज़ कर रहा है वो सिंपली रन कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे एन लिख देता हूँ तो आप देख सकते हैं अब कितना भी हमें टाइम रुकता है
2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड, लेकिन जो सेट टाइम आउट के अंदर जो हमने ये वाला कंसोल डॉट लॉग का मैसेज प्रिंट करा था वो यहाँ पर रन कहीं क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी की वैल्यू और एन होगी और एन अगर बी इजिकल टू एन होगा तो सिंपली क्लियर टाइम आउट का यूज करके हमने इस सेट टाइम आउट फंक्शन को अवॉइड कर दिया यानी ब्लॉक कर दिया है। तो इस तरह से सेट टाइम आउट फंक्शन का आप यूज कर सकते हो और सेट टाइम आउट फंक्शन को क्लियर टाइम आउट भी कर सकते हो। सेट टाइम आउट फंक्शन में आप अब क्या बताऊंगा, अब मैं तो इसको सिंपली कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ। और अब हम देखने वाले थे हाउ टू पास पैरामीटर इन सेट टाइम आउट। तो अब हम देखेंगे कि हम सेट टाइम आउट के अंदर पैरामीटर किस तरह से पास कर सकते हैं। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन सम और सम के अंदर 2 आर्गुमेंट होगा ए कोमा बी, और उस फंक्शन सिंपली क्या होगा रिटर्न करेगा, रिटर्न नहीं करेगा डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉक कर देता हूँ फंक्शन का यूज करके, और फंक्शन का यूज करके लिखा सम प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी करवा दिया सिंपली मैंने। और इसके बाद करूँगा, इसके बाद लिखूंगा सेट टाइम आउट और उसके अंदर हमारा सिंपली फंक्शन जो है इसको पास कर दूंगा। पहले फंक्शन पास करेंगे, उसके बाद टाइम पास करेंगे जैसे 2 सेकंड अगर मैं डाल देता हूँ, उसके बाद जो भी वैल्यू हमको पास करनी है वो पास कर देंगे 1.2। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमारी एरर आ गई है, और एरर क्यों आई है क्योंकि यहाँ कंसोल लिखा है, कंसोल डॉट लॉग लिखना पड़ेगा, तो सम एन ए एन आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो हमको सिंपली यहाँ पे सम के आगे ब्रैकेट का यूज नहीं करना, हमको डायरेक्टली सम लिखना है। तो यहाँ पे सम में जाएगा कंसोल डॉट लॉग में हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, पेज का रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, और थोड़ा 3 सेकंड बाद देख सकते हैं यहाँ पे सम हमारा आ गया है, और यहाँ पे हमने 1 और 2 पास किया था और सम इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 हमारा यहाँ पे आ गया है। एक से ज्यादा वेरिएबल भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, यहाँ पे मैं सी भी पास कर देता हूँ बता देता हूँ, और सी में मैं अगर यहाँ पे 7 लिखता हूँ और प्लस सी भी कर देता हूँ प्लस सी, और अब इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे हमारा सम अप 10 आ गया। तो इस तरह से आप सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज कर सकते हो, क्लियर टाइम आउट का यूज कर सकते हो, और किस तरह से हम किसी फंक्शन को सेट टाइम आउट के अंदर पास करके और उस फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स को भी पास कर सकते हैं वो सब भी हमने देख लिया है। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेट इंटरवल के बारे में। तो यहाँ पे सेट इंटरवल यहाँ पे लिख देता हूँ सेट इंटरवल। तो सेट इंटरवल हमारा फंक्शन क्या करता है, सेट इंटरवल हमारा फंक्शन रिपीट करता है कोड को, रिपीट्स आफ्टर सम इंटरवल। तो सेट टाइम आउट फंक्शन हमारा कुछ टाइम के बाद में हमारा जो कोड है उसको रन करता था, लेकिन सेट इंटरवल ऑफ वाला फंक्शन हमारा एक पीस ऑफ कोड को बार बार रिपीट करता है एक टाइम पीरियड के बाद में। जैसे अगर मैं यहाँ पे सेट इंटरवल लिखता हूँ और इसमें लिखता हूँ मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करके यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग का एक मैसेज प्रिंट कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे लिखूंगा हाय कैसे है आप लोग, कैसे आप लोग, और उसके बाद टाइम में दे दूंगा, अगर टाइम में यहाँ पे देता हूँ 2 सेकंड, और इसको क्या करूँगा इसको मैं सिंपली रन करके बता देता हूँ नोड का यूज करके, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ नोड फिर लिखता हूँ टाइम फंक्शन डॉट js और इसको रिपीट करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं सम 10 हाय कैसे आप लोग कैसे आप लोग कैसे आप लोग, तो ये अनडिफाइंड टाइम तक यहाँ पे रिपीट होता रहेगा, इनफाइनाइट तक जाएगा और इसको आप रोक नहीं सकते, और इसको रोकने के लिए आपको वापस पेज रीलोड करना पड़ेगा, लेकिन रीलोड करने के बाद भी वापस सेम तरीके से काम करता रहेगा। तो इस तरह से आप सेट इंटरवल का यूज कर सकते हैं, और सेट इंटरवल में भी हमारे पास सेट इंटरवल में भी क्लियर टाइम आउट जैसे क्लियर इंटरवल वाला भी होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अगर मैं लिखता हूँ लेट एक्स इज इक्वल्स टू, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट तो मेरे को लिखना है क्लियर इंटरवल, और उसके अंदर मैं एक्स पास कर दूंगा डायरेक्टली, और अभी के लिए मैं इसको पूरे को कमेंट आउट कर देता हूँ सेट टाइम आउट वाले को। और अब क्या करूँगा, अभी वापस लूप में आप देख सकते हैं अभी तक भी ये लूप में चलता जा रहा है। अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और वापस इसको करता हूँ, तो आप देख सकते हैं अब हमारा जो ये काम नहीं कर रहा। और क्यों काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमने क्लियर इंटरवल का यूज़ कर दिया है। और अब क्या कर सकते हैं, आप क्लियर इंटरवल को सेट टाइम आउट के अंदर भी रख सकते हैं, जैसे आप चाहते हो जो ये सेट इंटरवल है वो सिर्फ 2 टाइम ही काम करे, तो क्या करेंगे मैं 4 सेकंड का एक 5 सेकंड का लूप बना देता हूँ और उसमें क्लियर टाइम क्लियर इंटरवल कर देता हूँ, और इसमें मैं 5 सेकंड का टाइमर लगा देता हूँ और इसको सिंपली वापस कर दूंगा। तो अब देख सकते हैं अब हमारा सेट इंटरवल फंक्शन सिर्फ 2 बार ही रन करेगा और ये क्लोज हो गया।
क्योंकि फिफ्थ सेकंड हमारा सेट टाइम आउट वाला फंक्शन काम करा और उसने क्लियर इंटरवल करके इसको अवॉइड कर दिया, इसको रोक दिया। तो इस तरह से सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज़ करके क्लियर इंटरवल आप कर सकते हो। और जिस तरह से सेट टाइम आउट में हमने फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स को पास किए थे, इसमें भी सिंपली वापस उसी तरह फंक्शन के अंदर पैरामीटर को आप पास कर सकते हो। तो वो भी देख लेते किस तरह से पैरामीटर हम पास कर सकते हैं। तो अभी क्या करूँगा, इसको मैं कर दूंगा कमेंट आउट और यहाँ पे लिखूंगा सेट इंटरवल, उसके बाद सम लिखना पड़ेगा और उसके बाद टाइम लिखना पड़ेगा, उसके बाद वैल्यू कौन सी वैल्यू 1, 2, 3 सेव और वापस सेट टाइम आउट करके, तो सम सिक्स करके ये वैल्यू रेंडर होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो इस तरह से आप सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और क्लियर टाइम आउट कर सकते हैं, क्लियर इंटरवल कर सकते हैं और पैरामीटर से पास कर सकते हैं आपके सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल वाले फंक्शन के अंदर। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो गाइस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे जावास्क्रिप्ट और दूसरी प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। अगर अभी तक आपने इस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो सिंपली आप इसको यहाँ पे क्लिक करके बुकमार्क कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके सिंपली शेयर कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ ताकि वो भी जावास्क्रिप्ट में मास्टर हो सके। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।